हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से हाजिर हूं एक और नए गेम के साथ। तो भाई इस गेम का नाम है कार फॉर सेल। तो भाई लोग, आपने पहले हमने देखा कि दूसरा बिजनेस हमने स्टार्ट करा था जहां पर हम लोग कार बार धोते थे, लेकिन यहां पर हम कार खरीद कर बेचने वाले हैं। और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा ऑफिस होने वाला, और यहाँ पर एक सोफा रखा हुआ है। तो यहाँ पर कस्टमर हमारे आकर बैठ सकते हैं। यहाँ है हमारा छोटा सा प्यारा सा पीसी, और यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स जो है हम चेक कर सकते हैं कि कितनी हमारे पास कार है, कौन सी कितने की बिकने पर लगी हुई है, बिक गया नहीं बिकी है। और यहाँ पर हम अपने जो ऑफिस है उसका नाम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपने ऑफिस का नाम रखता हूँ वाइपर कार बाज़ार। तो भाई हमारा कार बाज़ार है, यहाँ पर हम पुरानी गाड़ियों को ख़रीदेंगे और फिर उनको थोड़ा मॉडिफाइड करके, और यहाँ पर थोड़ी जो ठीक करने वाली होगी गाड़ी अगर ख़राब है उसको ठीक करेंगे और फिर आगे उसे सेल करेंगे। हमारा दूसरा बिजनेस जो है वो बड़ा ही ठीक ठाक चल रहा है, और अभी देखते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा बस स्टॉप है भाई, बस लेकर जाने वाले बहुत गरीब है हम लोग। यहाँ पर हमारे पास कोई बाइक साइकिल तक नहीं है, तो फिलहाल मैं जाने वाला विलेज के अंदर। यहाँ पर देखो काफ़ी सारी गाड़ियाँ हमें जो है देखने को मिल जाएगी, और ये काफ़ी सही लग रही है गाड़ी, लेकिन क्या प्राइस हो सकता है इसका। ओके, अभी फिलहाल मेरे पास सिर्फ 9,000 और यहाँ पर 6,206 रुपये की ये जो कार है वो हमें मिल रही है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, अगर देखता हूँ भी कोई और थोड़ी सी सस्ती मिल जाए, क्योंकि भाई अभी नया नया बिजनेस है, इतनी महंगी कारें लूँगा तो भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल सर जी हम देख कर आते हैं, अगर कोई अच्छी गाड़ी मिलती है और सस्ती मिलती है तो ठीक है, वरना आते हैं। ओके, तो भाई यहाँ पर एक और गाड़ी, और काफ़ी सारी गाड़ी है इस विलेज के अंदर, और ये भी ठीक ठाक लग रही है भाई देखने में, जैसे कि ये वो इंजॉय जैसी लग रही है। लेकिन भाई ऐसी गाड़ी को कौन खरीदना पसंद करेगा, मैं फिलहाल देखता हूँ। और वैसे भी ये महंगी देगा मुझे लग रहा। और यहाँ देखो भाई ये क्या है, BMW जैसी लग रही है गाड़ी। तो देखते हैं क्या प्राइस होने वाला है इसका। ओ भाई 10,966। भाई हमारा तो इतना बजट ही नहीं है अभी, फ़िलहाल बजट सिर्फ 9,000 का है। तो फिलहाल बजट में रहकर बात करिए सर जी, इतनी फ़िलहाल दो भाई बहुत। और यहाँ देखो भाई क्या चीज़ है ये, कितनी मस्त लग रही है यार। क्या प्राइस है इसका सर जी? ओह भाई साहब, ये तो हमारी औकात से दूर दूर तक तो कहीं लेना देना ही नहीं इस चीज़ का। भाई जब गलती से आ गया सर जी आपके पास में, तो यहाँ से चलता हूँ आगे, देखता हूँ क्या है। भाई ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है कार भाई, तो थोड़ी बजट में लेना पसंद करूँगा भाई, कोई सस्ती कार दे दो। अभी मेरा नया बिजनेस है स्टार्ट हो जाएगा। और भैंस की आँख भाई, तुम लोग मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो यार, तुम्हें लगता है कि मैं इतना गरीब हूँ? हाँ तो भाई सही लगता है, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, अभी नया नया काम शुरू किया है। और यहाँ पर एक और कड़ी हुई भाई, वाइट कलर की कौन सी कार है ये भाई मुझे नहीं पता, तुम लोग बताना ज़रूर अगर पता है तो। यहाँ पर ओ भाई साहब, अरे कैसे मुश्किल से सांस ले रहे हो। और ये भी मेरे बजट से बाहर चल रही है फिलहाल। यहाँ पर देखते हो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी जो गाड़ी की कंडीशन दिख रही है, फ्यूल तो पूरा है लेकिन थोड़ी सी गंदी है गाड़ी, और डैमेज भी है भाई। इतनी तो डैमेज मिलेगी गाड़ी यार, अगर सेकेंड हैंड है तो कुछ तो डैमेज तो होगा ही ना उसके अंदर। तो ये भी लेकिन मेरे बजट से बाहर है। तो यहाँ एक ये है, ये भी देख लेता हूँ, लाल कलर की गाड़ी है भाई। ओके, ये थोड़ा सस्ता लग रहा है और शायद अच्छे दामों पर मैं ले भी लूँ उसको, लेकिन भाई इसी को देखता हूँ यार, अगर ये मिल जाए तो भाई। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, ये तो बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ बेच रहे हैं। और फिलहाल ये मैंने बाइक कर लिया, लेकिन भाई हालत वालत मैंने गाड़ी की चेक नहीं करी, तो कोई बात नहीं। भले अभी मैं इसे क्या करता हूँ, सीधा टोचन करके अपनी यहाँ पर भेज देता हूँ यार, जो हमारा वो ऑफिस है। ओके, तो अभी मैं भी चलता हूँ ऑफिस यार, अभी मुझे रास्ते का पता नहीं इसलिए मैं गाड़ी लेकर नहीं गया। अरे भाई ये कौन सी गाड़ी छोड़ के, अच्छा वो मेरी गाड़ी, मुझे लगा ये कौन सी गाड़ी छोड़ गया भाई, महिंद्रा बलेरो जैसी लग रही है बिल्कुल। क्या बात है भाई, मुझे लगा कि ये मेरे लिए छोड़ गया शायद गाड़ी में, भूल भलेके कोई और देगा भाई, काफ़ी अच्छी लग रही है। कोई नहीं इसके अंदर, अबे किसकी है भाई गाड़ी, मेरी दुकान के आगे क्यों खड़ा कर देखे इसके भाई, इसको ले जाओ वरना बेच दूंगा, मेरा काम भी बेचने का ही है, पता नहीं किसकी गाड़ी है। अरे ये ओ भाई साहब हेलो, ओह तो ये अपने महिंद्रा भाई यहाँ पर बेचने आया। और यहाँ पर देखो कितना भाई, 1,18,251 भाई, इतनी हमारी अभी तक कोई दूर दूर रिश्तेदारों के पास भी इतने पैसे नहीं है हमारे, अगर मैं मांग कर लेकर भी आता हूँ तो भाई निकल लो यहाँ से। तो इतना गंदा मजाक मुझे पसंद नहीं है। फिलहाल मेरी गाड़ी ओ क्या हो गया, अच्छा ये शायद, ओ भाई ये तो खिड़की थी। यहाँ पर है हमारी वो गाड़ी जो लेकर के आए हम, तो इसी फिलहाल थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ यार। इसके अंदर जो थोड़ा बहुत डैमेज है मैं चेक करवा कर आता हूँ ऑटो रिपेयर शॉप पर जाकर, कि अगर किसी
ठीक हो जाए बस सस्ते में तो अच्छा रेट लग जाएगा इसका, वरना भाई थोड़ा सा रेट कम लग सकता है। फिलहाल भाई मैं तो थोड़ा दाम को बढ़ाकर ही बेचना पसंद करूँगा भाई, काफ़ी महंगी लेकर के आया हूँ मैं भी। और ये है कार ऑटो रिपेयर शॉप, तो यहाँ पर हम अपनी गाड़ी को वॉश करा सकते हैं और धुलवा वो एक ही बात हो गई ना, रिपेयर करा सकते हैं, पेंट करा सकते हैं और धुलवा भी सकते हैं। तो ये है हमारी गाड़ी। तो भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, चेक करके बताओ यार क्या कमी है इस गाड़ी के अंदर। भाई अभी तो फिलहाल इंजन बंद करना भूल गया मैं भाई, तभी तो मैं बोलूँ इतने आवाज़ कहाँ से आ रही है भाई, फ्यूल फूकता है यार अगर तुम इंजन छोड़ दोगे चलता हुआ। तो भाई साहब देखो यार मेरी गाड़ी के अंदर क्या है, और भाई रिपेयर 47% ये डैमेज है और 1604 रुपये। अरे भैया इतना कुछ नहीं है मेरे पास, तो भाई थोड़ी सी वॉश करवा सकता हूँ, 37 रुपये लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं वॉश, ये क्या कर दिया मेरी गाड़ी को यार, रंग थुनिया करने को बोला मेरे भाई। ओहो ओ नहीं हुआ भाई पेंट, वो तो वैसे शायद धुल गई होगी तो इसीलिए थोड़ा सा रंग काला पड़ गया अभी। ओ भाई साहब क्या ड्रिफ्ट मार रही है गाड़ी ने, काफ़ी ज़बरदस्त कार है। रुक 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 तेरी भैंस की आँख, अब भाई यार डैमेज हो गई होगी गाड़ी आगे से, पहले ही बहुत सा ज़्यादा डैमेज थी यार, अभी भाई और ज़्यादा पैसे लगेंगे अगर ठीक कर पाऊँगा। वैसे मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं भाई, जैसी है वैसी बेचने की कोशिश करता हूँ। और ये कौन गाड़ी खरीद कर गया भाई मेरी गाड़ी, फिर से गैरेज के सामने, गैरेज बोल रहा हूँ भाई मेरे ऑफिस के सामने, अच्छी चली गई है गाड़ी वो, और रात भी हो गई है, इतनी जल्दी रात हो गई। तो फिलहाल भाई ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा डैमेज हुआ नहीं है इसको, तो इंजन बंद करो पहले। तो भाई अभी रात का समय हो गया, मैं फ़िलहाल सो जाता हूँ जाकर के, ताकि सुबह देखें कि कस्टमर आएंगे या नहीं। पहले इसे सेल पर लगा दूंगा, और डैमेज तो बहुत ज़्यादा है यार गाड़ी, बिल्कुल आधी डैमेज हो रखी है गाड़ी। पहले मैं इसका चेक कर लेता हूँ भाई क्या कुछ है अपना, जो गाड़ी का ये मैं ख़रीद कर लाया हूँ वो कितने की लेकर आया हूँ मैं देखता हूँ। ओ भाई मैं काफ़ी महंगी ख़रीद कर लाया हूँ यार, अगर इतनी बिकेगी तभी ना। मैं अभी इसका प्राइस जो सेट कर देता हूँ भाई, इतने की ख़रीद के लाया तो यार थोड़ा बहुत तो बनता है, 15,000 सेट कर देता हूँ इसके ऊपर, इतनी तो लगनी चाहिए यार, फिर भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी डैमेज है क्या हुआ। तो भाई अभी ऑन द सेल है तो भाई मैं अभी सुबह का वेट करने वाला हूँ, और जिसके बाद यहाँ पर कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ, कहीं कोई चोर वोर घुस गया भाई मेरा एक ही कंप्यूटर वो भी उठा के ले गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिलहाल ओके, तो अभी ये सुबह हो चुकी है और देखता हूँ मेरे पास कोई कस्टमर आया है या नहीं। ओ अभी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तब तक हमारा स्टोर नहीं खुला हुआ दिखेगा, तो कोई कस्टमर नहीं आएगा। तो फिलहाल यहाँ देख लेता हूँ अभी मेरी, ठीक है 15,000 रुपये सेट अभी ऑन द सेल है गाड़ी। फिलहाल कोई कस्टमर आ नहीं रहा, सामने को दिख रहा है कुछ तो है वहाँ पर। ओहो कस्टमर आए हैं, आइए आइए सर जी आइए आइए, बढ़िया गाड़ी है जी। ओके ओके, तो देख रहा भाई क्या 8,293। अबे भैंस की आँख, तेरे से महंगी तो गाड़ी मैं खरीद के लाया हूँ, चल निकल यहाँ से भाई तेरी तो। ओहो एक और आया, आइए सर जी आइए सर जी, बोलिए सर जी, बहुत मस्त वाली गाड़ी है भाई। अबे तुम लोग सारी एक ही घर से आए हो क्या, निकल ले यहाँ से भैंस की आँख, तेरे को सस्ती लगती है गाड़ी, ये इतनी महंगी गाड़ी है भाई। ओके यहाँ पर बार्गेनिंग भी कर सकता हूँ इनके साथ भाई, पहले उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए थोड़ा बहुत। ओके तो क्या, अब क्या है 2-2 रुपये बढ़ा रहे हो भाई, निकल ले यहाँ से, क्या हो गया तुम लोग, बड़े गरीब हो यार तुम लोग, तो मुझे तो लगा था मैं ही हूँ बस। तो ठीक है भाई, अभी तो थोड़े छोटे मोटे कस्टमर आ रहे हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ देख कर आता हूँ ये क्या आइटम है और वो क्या चमक रहा है सामने। वो तो कोई बोर्ड है शायद, लेकिन ये क्या है, वो भाई यहाँ पर कार की सेल वेल लगती है शायद से, है ना, तो यहाँ पर कार खरीद सकता हूँ मैं। ये कौन है, और टिकट प्राइस 300 रुपये। अच्छा जी, मेरे को नहीं चाहिए भाई अभी, मैं फिलहाल मेरे पास सारे 300 रुपये तो हो गए भी नहीं। तो ठीक है भाई हम चलते हैं, हमने वहाँ पर कस्टमर खड़े हुए हैं भाई बहुत सारे। तो ठीक है भाई हमारा काम तो अभी से काम चलने लग गया, अभी देखते हैं क्या प्राइस दे रहे हैं ये लोग। ओ सर जी ये जा रहा, पहले इसको देख लेता हूँ मैं। ओ रुको भाई यहाँ, चलो जाने दो यार, कस्टमर की कमी नहीं होने वाली भाई। अब यार ये कितने गरीब लोग हैं भाई, मेरे से भी गरीब लोग हैं, मैं इसको बताता हूँ भाई, मेरे को कम से कम इतना लगेगा 10,000। ठीक है भाई कम से कम 10,000 लगेगा भाई, इससे कम कुछ नहीं लगने वाला, रहने दे भाई फिर मेरे को क्या, मैं तेरे से महंगी तो मैं लेकर आया अभी, घाटे में थोड़ी ना बेच दूंगा, और ऊपर से 30 रुपये तो मैंने इसको धुलवाई दे दी। और सर जी आप बोलो जी, ये भी देगा क्या कुछ। ओ एक और आ गया भाई, सभी एक ही जैसे क्यों आ रहे हैं, थोड़े से बदल के दिखाओ ना भाई। अब तू तो बिल्कुल ही गरीब है यार, चल घर चल अपने।
और ये अबे क्या हो गया भाई इन लोगों को। ओए तुझे क्या हुआ, तू तो रूठ गया भाई। कितने गरीब लोग हैं भाई, इतनी सुंदर गाड़ी है भाई, क्या हुआ, ज्यादा ही कुछ नहीं दे रखा मैंने, ये क्या हो गया इन लोगों को। तो थोड़ा कम कर देता हूँ प्राइस, शायद इसी की वजह से हो रहा हुआ, 10,000 ही कर दूंगा। हाँ 10,000 ठीक है भाई, अभी यार इतना तो लगना चाहिए भाई, मेरे पास सिर्फ $400 भी नहीं है पूरे अभी। ओहो, कोई महंगी गाड़ी भाई आ रहे हैं सर जी, लेकिन वो तो भाई अपनी बेचने आया होगा। आओ जी। ओ भाई ये ठीक लग रहा मुझे, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही सही भाई, फायदा तो होगा, कोई $100 का फ़ायदा हो जाएगा शायद से। भाई इतनी महंगी गाड़ी लेकर आए फिर भी ₹100 बचा रहा हूँ सिर्फ इसके अंदर से। और ये भाई साहब इससे ऊपर तो कोई दे भी नहीं रहा यार मुझे। चलो अभी क्या कर सकता, भले इसको देख लेता हूँ ये क्या देने वाला है अभी क्या। ओ भाई ये भी वैसा ही है लेकिन थोड़े से कम दे रहा है पैसे, लेकिन मैं भाई तू लेके निकल यार, तू लेके निकल यहाँ से भाई, जो बिक रहा है ना उसको देते, ये थोड़े कम दे रहा है और वो ठीक दे रहा है भाई। अभी इसको बेचता हूँ यार, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है भाई बड़े दामों में, ये भी भग गया अभी, इतनी देर से घिसड़ फिसड़ कर रहा है यहाँ पर। तो अभी एक और कस्टमर आकर अंदर बैठे हुए, देखते हैं ये भी यहाँ कार सेल करने आए हैं, वाइपर कार बाजार है हमारा भाई। तो अगर आपको भी कोई गाड़ी पुरानी बेचनी है तो यहाँ पर बेच सकते हैं। तो भाई फिलहाल इनसे बात कर लेता हूँ क्या कहने आए। ओहो भाई इतने का तेरे को मेरा कैबिनेट भी दिख रहा है जहाँ पर तू खड़ा हुआ है, मेरा ऑफिस भी लगता है तेरे को। चल खुद ब खुद कार बेचने भी आते हैं लोग, लेकिन भाई हमारी औकात से थोड़ा ज़्यादा ही बाहर है, दूर दूर तक इतने पैसे तो हमने देखे ही नहीं अभी अभी इस गेम के अंदर। तो चलो भाई आगे चलते हैं, कहीं और गाड़ी खरीदते हैं। तो भाई यहाँ कार बाज़ार में आया था, कार यहाँ पर सेल लगती है लेकिन आज तो खाली है भाई, आज तो सेल लगी नहीं है भाई, कितनी गंदी किस्मत भरी मेरी, आज आया हूँ यहाँ पर आज शॉप ही नहीं लगी है भाई। अभी तो तेरे भाई ने थोड़ा ₹100 कमाया यार, तो यहाँ पर आज शहर के अंदर देखते हैं क्या, बहुत बजट है अपना। और यार गरीब लोग तुम कैसी कैसी गाड़ियाँ लेकर घूम रहे हो यार, इतने गरीब लोग। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ भाई, मैं थोड़ी महंगी कार देख कर आता हूँ, अगर मुझे कोई मिल जाए तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग यहीं आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक भाई साहब और बैठे, ये वैसी ही लग रही है कार जैसी मैंने बेची थी, लगता तो नहीं है। ओके ये भी 7500 की दे रहा है, और देख लेता हूँ अगर थोड़ी सी और सस्ती मिल जाए भाई तो, और अच्छी होनी चाहिए यार थोड़ी सी लुक भी अच्छी। हेलो, मैं तो यहाँ गलती से आ गया भाई साहब। तो यहाँ पर देख लेते, ये खड़ी हुई है फिर से वैसी आर्टिका। भाई क्या है यार तुम लोगों को, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या, तुमको बेचनी नहीं गाड़ी तो घर ले जाओ भाई। तो मेरा यार मुंह देख के बंदे को पता चलना चाहिए कि ये गरीब है। ये काफ़ी मस्त लग रही है कार, और ये भैंस की आप मस्त तो लग रही है भाई, पैसे बड़े हैवी हैं इनके पास। कोई बात नहीं मैं देख लूँगा, पर अरे यार गरीबों का भगवान होता है, तो यहाँ पर कोई ना कोई गाड़ी तो मिलेगी। ओहो होंडा सिटी है या वरना भाई कौन सी है तेरे पास। ओहो भाई बैठा रहा तू ऐसे ही बैठा रहा, बहुत सुंदर लग रहा है, मैं फिर आऊँगा कभी, थोड़ा सा बजट बन जाए ना अपना फिर आएंगे, तेरी होंडा सिटी क्या तेरा पूरा गांव खरीद के ले जाएंगे। तो यहाँ पर एक और है, ओके तो ये थोड़ी सी सस्ती है भाई लेकिन मेरे बजट से फिर भी बाहर है, मैं इतने पैसे यहीं पर दे दूंगा तो भाई मेरे को क्या बचेगा, कोई इतना महंगा लेता भी नहीं है। ओके भाई यहाँ एक गाड़ी दिख रही है मुझे, ये इसको देख लेता हूँ अगर मिल जाए तो थोड़ी बहुत। हाँ अरे ये तो वही है, चलो ठीक है फिर ये भी ठीक है यार, मैं इसी को ले लेता हूँ अभी, मेरा इतना बजट भी नहीं है और थोड़ी सी डैमेज तो है कार, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको बाय कर लिया, अभी मैं चला कर ले जाऊँगा भाई। यहाँ की ड्राइविंग भी दिखाता हूँ आपको कैसी लगती है गाड़ी चलने में, और काफ़ी यार थोड़ी सी ट्राई भी हो जाएगी ना गाड़ी है कैसी आखिरकार। कहाँ घुसेड़ दिया कैमरा यार, बाहर निकलो उसको। ओके सड़क तो भाई देखकर मुझे रास्ते का तो नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं देख लेंगे कितना दूर होगा। चल भाई सीधा चल भाई, मैं चेक कर रहा हूँ यार सारे टायर वायर सही काम कर रहे हैं ना, तो भाई कहीं कोई घिसड़ विसड़ रहा हो तो इसके पैसे लग जाएंगे हमें, और फिर भी ठीक करवा के तो देनी पड़ेगी यार, ऐसे तो कोई खरीदेगा ही नहीं ना। वो भैंस की आँख कितनी तेज चल रही है गाड़ी, बहुत पिकअप है यार, आराम से भाई इसको डैमेज नहीं होने देना, बिल्कुल सही तरीके से लेकर जाऊँगा इसको, तो भाई बढ़िया प्राइस पर बेचने वाला हूँ। गाड़ी का कलर भी काफ़ी मस्त है, अगर राइट वो सामने दिख रहा है मुझे, ओ अंधेरा हो गया भाई, अब हेडलाइट जगह ना इसकी, तो हेडलाइट काम नहीं कर रही भाई यार, पहले चेक करना था मुझे, लेकिन कोई बात नहीं मेरे पास ट्रायल बैल लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता वहाँ पर। ओ रुक रुक रुक, अबे भैंस क्या, आराम से चल भाई, नहीं पता चले फिर से मेरे को थोड़े बहुत और ऊपर लगवाने पड़ गए इसके, अभी मैं यार कोई बुलवाने नहीं वाला क्योंकि मुझे पता लोग इस, अबे रब जार, तेरी भैंस की यार, वही कर दिया ना काम,
भाई यार इतने पैसे नहीं होते भाई, अभी तो मेरी हैवी ड्राइविंग है भाई, नया नया काम शुरू किया तो नई नई गाड़ी चलानी आ रही है मेरे को, शायद ख़राब गाड़ियाँ ना भाई, ब्रेक नहीं लगी इसकी। कोई बात नहीं, रुक जा, अभी पहली ब्रेक मार ना इसको, चल अभी आराम से इसको अंदर लगा देता हूँ और फिर इसका प्राइस सेट करते हैं भाई लोग। अभी मैं ज़्यादा लालच नहीं करने वाला यार, क्योंकि पिछली बार मैंने बहुत ज़्यादा रेट कर दिया और गाड़ी वैसे भी थी नहीं इतनी कि मैंने बस चेक करा था, तो फिलहाल देख लो। तो भाई गाड़ी का इंजन कर दिया है बंद। ओके, गाड़ी काफ़ी मस्त लग रही है वैसे तो देखने में, हालत भी ठीक ठाक है गाड़ी की और बिकनी तो सही चाहिए यार। अभी मैं ज़्यादा लालच नहीं करने वाला, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी ठीक ठाक प्राइस पर लिया, तो मैं यार इसको 7500 रुपये कर देता हूँ ताकि ज़्यादा लोगों को महंगा भी ना लगे और गाड़ी झटपट से बिकती हो जाए। बस भाई रुकने नहीं चाहिए, थोड़े बहुत जो बन रहे हैं ना वही सही है। ओके, ऑन दी सेल हो गई भी, फटाफट से मैं सो जाता हूँ ताकि सुबह होते ही हमारे पास कस्टमर आना शुरू हो जाए। ओके, तो गुड मॉर्निंग बॉयज, तो यहाँ पर फिर से हो चुकी है सुबह, सुप्रभात हो चुकी है और यहाँ देखता हूँ मेरी कार की जो सेलिंग है भाई अभी तक लगी हुई है, ठीक है, अभी तक कोई कस्टमर आया नहीं है वैसे भी। और यहाँ पर देखो वो भैंसियाँ कितने महंगे महंगे, और ये तो हमारा वही हो गया। तो यहाँ पर है हमारा पूरा चिट्ठा, कौन सी गाड़ी कितनी खरीदी है, कितनी बेची है, क्या प्रॉफिट करा है, कुछ नहीं फिलहाल तो कुछ। ओहो, सर जी आओ जी। अरे सुबह सुबह ग्राहक भगवान का रूप होता है भाई, और ये तो भगवान ही है, श्रेयाम भगवान ही है भाई, सिद्ध भगवान धन्य हो। 75 की 75 में बिक गई भाई, शुक्र है। पहला मेरा कॉन्ट्रैक्ट था भाई, बहुत अच्छे से हुआ है, जितने मांगे उतने दे दिए और मैंने ज़्यादा चूचा भी नहीं करी भाई कस्टमर से, अगर मेरे सही रेट पे मांग रहा है तो भाई बिक गई। ओके, तो भाई लोग कैसी लगी गाड़ी यार, ओ गाड़ी बोलो कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही नए नए गेम प्लेस को देखने के लिए, नए नए गेम्स को देखने के लिए। तो मिलता हूँ कल किसी और नए गेम के अंदर, आज इस गेम के अंदर इतना ही। तो वाइपर कार बाजार आपसे इजाज़त चाहता है, मिलेंगे कल किसी अगली वीडियो में, धन्यवाद। My life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to be